फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तीन फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर एक, उस कदम से बढ़कर किसी कदम का सवाब नहीं जो सफ की खाली जगह को पुर करने के लिए चला। नंबर दो, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो अगली सफों से मिलते हैं, और अल्लाह को उस कदम से ज्यादा कोई कदम प्यारा नहीं जिस कदम से इंसान सफ से मिले। नंबर तीन, जो सफ की कुशादगी यानी गैप बंद करे उसकी मगफिरत हो जाएगी। सफें दुरुस्त करना, सीधी करना, इसमें गैप ना रहने देना, ये सब वाची बातें। टखने और कंधे ये सब एक ही सीध में सफ में होने चाहिए। अब जहां मस्जिदों में बड़े बड़े पट्टे सफ की जगह होते हैं वहां तो पता नहीं क्या आलम होता होगा, यहाँ तो हमने तो लकीरें बनाई है। बड़े पट्टे बनाने वालों का तो बेचारे बस बना दिए इन लोगों ने, सब सीधी हो ही नहीं सकती ना, कोई कहाँ रखेगा एड़ी, कोई कहाँ रखेगा। अब ये कि ऐसी जगहों पर जहाँ बड़े बड़े पट्टे सफों में बन गए, पहले बना दिए लोगों ने, अब वो मदनी चैनल पर सुन रहे हो तो उनको ये है कि इमाम साहब ये ऐलान क्या करें कि बनी हुई सफ की बिल्कुल अगले किनारे पर एड़ी रखें तो कुछ सफ उम्मीद है कि सीधी हो, या ग्राइंडर या मशीन जो आता है उससे लकीरें बनाई जा सकती हैं, उस पर भी कि इस लकीर पर एड़ी रखें, एड़ी एड़ी की भी आखिरी सिरा तो लकीर से सफ बन सकती है।